कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक युवा डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की हालिया घटना पर राष्ट्रपति मुर्मू ने अपनी गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया है। इस भयावह अपराध के लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश में अभी भी महसूस किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चलें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वुमेन सेफ्टी इनफ इज इनफ नाम के एक आर्टिकल को लेकर पीटीआई के एडिटर से चर्चा करी थी। वहीं इसी आर्टिकल के कुछ अंश आज हम आपको बताएंगे। आखिर हमारे देश की राष्ट्रपति ने भारत देश में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा और बलात्कार जैसे मामलों को लेकर क्या कुछ कहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने बिना किसी झिझक के महिलाओं के वस्तुकरण की कड़ी निंदा की है, जिसे उन्होंने एक गहरे और निंदनीय मानसिकता का परिणाम बताया। ऐसी मानसिकता जो महिलाओं को कमतर इंसान, कम शक्तिशाली और कम बुद्धिमान मानती है। निर्भया त्रासदी के 12 साल बाद राष्ट्रपति ने इस अवधि में अनगिनत बलात्कारों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को समाज द्वारा भुला दिए जाने पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसे घिनौना सामूहिक भूल कहा, एक सामाजिक विफलता जो ऐसे भयानक अपराधों को जारी रखने की अनुमति देती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने देश से इस विकृति का सामना करने का आग्रह किया और एक ईमानदार आत्मनिरीक्षण तथा इन अपराधों को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इन घटनाओं के बाद आने वाला गुस्सा और विरोध अक्सर दब जाता है, जिससे हिंसा का यह चक्र जारी रहता है। राष्ट्रपति के बयान ने अन्य हालिया भयानक अपराधों पर भी ध्यान दिलाया, जिसमें उत्तराखंड और महाराष्ट्र में नर्सों के बलात्कार और मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न के आरोपों की शामिल है। उन्होंने देश से अपनी हिंसा के इतिहास का सामना करने और भविष्य में ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। जब देश इन त्रासदियों से जूझ रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता मामले का स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र और राज्य सरकारों को इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के खिलाफ चेतावनी दी है। कोर्ट की इस मामले में हस्तक्षेप इस स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है, लेकिन राष्ट्रपति का संदेश स्पष्ट है, अब बहुत हो चुका है। देश के सर्वोच्च पद से उठाई गई आवाज़ एक आवाज़ जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाना चाहिए।